नंबर दो, अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम है और अल्लाह ताला का जो बड़ा नाम है वो अल्लाह अर रहमान अल हय अल कय्यूम, ये सब अल्लाह ताला की सिफात है, अस्मा हुस्ना है, बेहतरीन नाम है। आप पढ़े सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आखिरी की तीन आयतें 22, 23, 24, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम है, बेहतरीन नाम है। हम और आप इन नामों को अल्लाह के दरबार में वसीला लगाएं। एक हदीस के अंदर आया सुनन तिर्मिजी किताब उद्दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3524 3524, ये 24 नंबर जो है ना बहुत अहम होता, 24 नंबर का सोना भी अहम होता, कैरेट जो होता प्योर होता, और 24 नंबर की बात भी बिल्कुल प्योर होती, और नंबर ही पर अभी दुनिया चल रही है। अब आगे देखिए कितने नंबर और बटेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये 24 नंबर वाली जो हदीस है 3524 अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी तकलीफ होती, हमें और आपको भी तकलीफ होती है, होती कि नहीं होती भाई, परेशान है कि नहीं है, है ना, परेशानी तो हर एक के सर लगी हुई है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बचती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं, और ये चल ही रहा है, सिस्टम एक चलता रहेगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी तकलीफ पहुंचती तो क्या कहते, ये दुआ हम और आप याद कर ले। मोबाइल फोन में गाना रख सकते और ईयरफोन लगा लगा के सुन सकते तो दुआ काहे नहीं सुनिएगा भाई, या हय्यु या कय्यूम बिरहमति का अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमति का अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमति का अस्तगीस, या हय ए जिंदा ए कय्यूम कायम रहने वाले पूरे निजाम को चलाने वाले, तेरी रहमत से बस तेरे दरबार ही में हम मांगते हैं फरियाद करते हैं। तो अल्लाह के नाम को वसीला लगा देना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है, अस्मा हुसना है, बेहतरीन सिफात है, तो अल्लाह के नामों का वसीला लगाइएगा और दुआ मांगिएगा तो अल्लाह ताला सुनते और अल्लाह कबूल करते, जो भी मांगे अल्लाह देते। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, नेक अमल को वसीला लगाइएगा छुटकारा पाने के लिए, परेशानी खत्म करने के लिए, तो हलाल कमाई जरूरी है, अगर हराम खाइएगा तो मसला हल नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। लाख दुआ करते रहिए, मौली साहब जितनी दुआ सिखा देंगे सब पढ़ते रहिए, लेकिन अंदर हराम डालते रहिए और पांचों वक्त की नमाज के बाद दुआओं का एहतमाम करते रहिए, हरम शरीफ में भी लंबी लंबी दुआएं होती रहे लेकिन हराम खा रहे हैं तो दुआ का असर हो सकता नहीं हो सकता। तो मैंने क्या कहा अब तक, नेक अमाल में से है, आदमी जबान से भी कहे, दिल से भी कहे, अमल करके भी दिखाए, तो अपने ईमान को अल्लाह के दरबार में वसीला लगाना। नंबर दो, अल्लाह के नाम को अल्लाह के दरबार में वसीला लगा देना।